हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरा कई दिन से जो है वो वीडियो नहीं गया है, ब्लॉग नहीं गया है। मैंने पोस्ट भी डाली थी कि मैं बीमार हूँ बहुत, और सच में मैं सच बहुत बीमार थी ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि आज मुझे जो है थोड़ा सा ठीक लग महसूस हो रहा है। इतनी बीमार थी कि मैं उठ के बैठ भी नहीं पा रही थी, और जब मैं चल रही थी तो मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत। तो 29 तारीख से लेके और आज 2 तारीख हो गई है, और इतने दिन मेरी हालत इतनी ख़राब रही है। 29 तारीख को मतलब दोपहर में ही मेरी हालत जो है ख़राब होने लग गई, मेरे शरीर में दर्द होने लगा। मुझे लगा शायद कोल्ड हो रहा है या फीवर हो रहा है, क्योंकि आजकल वायरल चल रहा है। उससे पहले जो है गुड्डों की भी तबीयत ख़राब थी, इसे जुकाम था, बुखार था, तो मुझे लगा शायद उससे मुझे हो गया हो वायरल, क्योंकि मेरे साथ ही रहती, मेरे साथ ही सोती है। फिर मैं गर्म पानी में नहा ली, फिर अपना जो था खाना पीना बनाया, बच्चों का खाया पिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से आंखों में दर्द होने लग गया और चक्कर आने शुरू हो गए, और फिर शाम तक मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरी आँख में इतना दर्द, इतना पेन उठ गया, इतना पेन उठ गया कि मैं आँख खोल नहीं पा रही थी। आंखें खोल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई आंखों को खींच रहा है बाहर, और चक्कर तो इतने आ रहे थे कि मैं बैठते हुए भी डर रही थी। फिर शाम को ये मुझे ले गए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, इन्हें लगा शायद बीपी लो हो रहा हो, तो बीपी भी लो नहीं था। फिर भी दवाई दी, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वॉमिटिंग भी खूब हुई मुझे, दूसरे दिन भी वही हालत रही, दवाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बल्कि मुझे मतलब उसकी जो दवाई की जो क्वांटिटी होती है, एमजी होती है, वो भी पावर में दी गई, पर मुझे उस दवाई का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और 2 दिन तो मेरे ऐसे कटे हैं कि मुझे ऐसा लग गया कि मैं अब मर गई, अब नहीं जीऊँगी। बच्चे मेरे आसपास बैठे हैं, हस्बैंड बैठे हैं, और ऐसा लग रहा, मैंने बार बार कह रही, मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं मतलब एक एक मिनट काटना मुश्किल हो रहा था। आँखों को बंद करके ही मैं बात कर रही थी, आँखों को बंद करके ही मेरा चल रहा था, मैं आँख नहीं खोल पा रही थी। और इतना डर बैठ गया था कि अगर मैं बैठूंगी ना तो मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगी, इतना हो गया था। और चलना तो बहुत दूर की बात है, पकड़ पकड़ के ये लोग बच्चे मुझे सहारा दे रहे थे, इतना चक्कर आ रहा था। और आज भी मुझे चक्कर आ रहा है, इतने दिन हो गए, आज 5वां दिन है, आज भी मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत, और आँखों का दर्द नहीं जा रहा। पर वो है कि हाँ, मैं मतलब बात कर पा रही हूँ, टीवी भी देख पा रही हूँ, फ़ोन भी, ये है कि हाँ, जैसे मैं आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सी वीडियो बना के आपको अपडेट दे देते हैं, तो वो हो रहा है। पर जो आँख में पेन है वो है, अभी भी है, पर उतना नहीं है जितना मेरा था। और सच बताऊँ, मेरे 2 दिन इतने मुश्किल से कटे हैं, इतने मुश्किल से कटे हैं, मैं इतनी तड़पी हूँ ना, मैं कहूँ ऐसा दर्द, ऐसी जो हालत है ना, किसी दुश्मन के भी ना और किसी के ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है वो दर्द बर्दाश्त करना। क्यों हुआ, क्या हुआ, इसकी वजह डॉक्टर ने बताई नहीं, बस अपनी दवाई दे दी और कुछ बताया नहीं। और खाना पीना मेरा ऐसा हो गया था कि खाना देखने का भी मन नहीं कर रहा था, बल्कि हस्बैंड मेरे जबरदस्ती मुझे खिला के जाते थे, पर नहीं होता था। ऐसा लगता था कि मतलब यहाँ ना ऐसा लगता था, इतना डर बैठता था कि यहाँ पर इतना कुछ भारी वजन रखा है, और समझ भी नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। पर यह है कि हाँ, कल से मुझे भूख लगनी शुरू हुई है, और आज तो खैर मंडे है, और आज मैंने फास्ट भी रखा है, और ये मना भी कर रहे थे मत रख, मैंने कहा खाना तो मैं खा ही नहीं रही हूँ, और फल फ्रूट तुमने घर में रखे ही हैं तो वही खा रही हूँ, मैंने फास्ट रख लिया। पर वह है कि जो आँख का दर्द है वो नहीं जा रहा है। बच्चे मेरे इतने वो हो गए हैं, मतलब कोई पैर दबाता है, कोई सर दबाता है, गुड्डो नॉन स्टॉप बैठ के मेरा सर दबाती है, और जब रहता घर का काम करती है, और जब घर का काम से निपट जाता है तो सिर दुबाती, इतनी हेल्प मेरे बच्चे कर रहे हैं। गुड्डों ने कभी यूँ मान लो आटा गूंद के रोटी नहीं बनाई, पर अब वो आटा भी गूंद लेती है, रोटी भी सेक लेती है, बर्तन झाड़ू सब कर रही है, और दोनों बेटे भी कर रहे हैं, हस्बैंड जो है बाकी का काम मतलब वो कर देते हैं। तो यह है कि चलो बच्चे मेरे हेल्प कर रहे हैं, परिवार मेरी हेल्प कर रहा है, तो इतना रहता है। नहीं तो हो जाता है कि एक औरत बीमार पड़ जाए और सामने बच्चे भूखे बैठे रहे, तो कहना वो डबल मरना हो जाता है औरत के लिए। तो बस मैंने कहा आपको थोड़ी सी बता देते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। व्लॉग जो है मेरे 2 बने रखे हैं, 25 को 26 को मैंने व्लॉग डाला था, 27 को मेरे बेटे का बर्थडे था तो वो वीडियो बना हुआ है,
और फिर 29 से तो मेरी हालत ख़राब हो ही गई थी, तो उसका भी व्लॉग रखा हुआ है, वीडियो बनी रखी है। और 30 में छोटे वाले बेटे का बर्थडे था तो वो तो ऐसे ही चला गया, फिर भी हस्बैंड ने ही मनाया। मैंने कहा मैं बीमार हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे का जो बर्थडे है वो तो मना लो, नहीं तो हो जाता ना बच्चे का, साल भर में तो एक बार आता है। तो छोटा मोटा सा ही करा था, उसका भी थोड़ा सा वीडियो बना रखा है, तो मैं डालूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी मैं ज़रूर डालूँगी। और बस ये कहूँगी थोड़ा सा आपको कि प्लीज़ प्रेयर करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। और पता नहीं मेरी आँखों में ज़्यादा ही लग रहा है ना कि मैं देख नहीं पा रही हूँ, ठीक से नहीं देख पा रही। जैसे किसी को होता है ना कि जैसे रीड करना, किसी चीज़ को पढ़ना, तो अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो गौर से देखते हैं, मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। मतलब उस पर बस अगर बात भी करती हूँ ना, आँख नीचे करूँगी तब बात करती हूँ, मतलब ये आँखों को घुमाया भी नहीं जा रहा, इतना पेन है इसमें। सुबह ये मंदिर ले गए थे मुझे तो चक्कर चक्कर आ रहे थे, फिर भी ले गए। मैंने कहा चलो क्या पता भगवान के नाम लेके, भगवान की पूजा करके थोड़ा दर्द जो है वो कम हो जाए। और गुड्डू मेरे साथ ही बैठी रहती है, मेरे बगल में बैठी रहती है, इतना ऐसा करती है ना कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी माँ है, मेरी मम्मी है ये, और मैं उसकी बेटी हूँ, इतना करते हैं। और सच में सभी वैसे हो रहे हैं, गुड्डू थी पहले जुकाम में, अब कृष्णा को भी बुखार है। और चलिए फिर, वीडियो बड़ा हो रहा है, 6 मिनट का तो हो चुका है। और मैंने छोटी सी अपडेट देनी थी आपको, और बस अब प्रेयर करना कि मैं ठीक हो जाऊँ। वैसे मैं ठीक हूँ पर अब चलने फिरने में थोड़ी सी वो दिक्कत हो रही है, आँखों में दर्द है। और बस खाना पीना मैं ठीक से खा रही हूँ। अच्छा यार अभी मेरा कैसा हो गया है। चलिए फिर मिलेंगे, वीडियो मैं देखूँगी कल या परसों तक डालूँगी, जो बनी रखी है पहले वो डालूँगी। गुड्डू की भी हालत कैसी हो रही है मेरी बेटी की, उधर कृष्णा बैठा है, अभी मेरा सर ही दबा रहा था, बल्कि अच्छा बाय।